देश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर पर प्रभावी नियंत्रण बना हुआ है। इसके साथ जनजीवन भी तेजी से सामान्य हो रहा है। प्रदेश में एक्टिव केसों की संख्या के साथ ही मृत्यु दर में भी भारी कमी आई है। सरकार द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक बीते 24 घंटे में 17 नए मरीज की पुष्टि हुई है। इसी अवधि में 15 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हुए। प्रदेश में अब तक 16,86,599 प्रदेशवासी कोरोना संक्रमण से मुक्त होकर स्वस्थ हो चुके हैं। वर्तमान में एक्टिव केस की संख्या 194 है। इन सभी संक्रमितों का उपचार हो रहा है। बीते 24 घंटे में 1,82,742 सैंपल की जांच हुई है। वहीं अब तक कुल 7,65,27,746 कोविड सैंपल की जांच की जा चुकी है। प्रदेश में पॉजिटिविटी दर 0.1% से आधी हो गई है और रिकवरी दर 98.7% है। 31 जिले कोरोना मुक्त। बीते 24 घंटे में हुई कोविड टेस्टिंग में 67 जिलों में संक्रमण का कोई भी नया केस नहीं मिला। मात्र 8 जनपदों में ही नए मरीज मिले। कहीं भी दोहरे अंकों में नए केस नहीं पाए गए। प्रदेश के 31 जिलों में कोविड का एक भी एक्टिव केस नहीं है। अलीगढ़, अमरोहा, औरैया, अयोध्या, आजमगढ़, बलिया, बांदा, बस्ती, बहराइच, भदोही, बिजनौर, एटा, फरुखाबाद, गोंडा, हमीरपुर, हापुर, हाथरस, कानपुर देहात, कासगंज, महोबा, मिर्जापुर, मुरादाबाद, मुजफ्फरनगर, पीलीभीत, प्रतापगढ़, रामपुर, सहारनपुर, शामली, श्रावस्ती और सुल्तानपुर में कोविड का एक भी मरीज शेष नहीं है। ये जनपद आज कोविड संक्रमण से मुक्त हैं। इतने लोगों को लग चुकी वैक्सीन। कोविड से बचाव के लिए प्रदेश में टीकाकरण की प्रक्रिया तेजी से चल रही है। प्रदेश में कुल कोविड वैक्सीनेशन 9,42,00,000 से अधिक हो चुका है। 1,66,00,000 लोगों ने टीके की दोनों खुराक ले ली है। प्रदेश में 18 वर्ष से अधिक आयु के 50% लोगों को कोविड टीके का पहला डोज प्राप्त हो गया है। ये किसी एक राज्य में हुआ सर्वाधिक टीकाकरण है। कोरोना से जुड़ी हर खबर को पाने के लिए जुड़े रहें हमारे चैनल के साथ।